आज कोई ये नहीं कह सकता कि 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई है। मां सिवाय लोग जो बीजेपी के साथ ताल्लुक रखते हैं उनकी जिंदगी में बेहतरी आई होगी। जो जो वादे जम्मू कश्मीर के साथ किए गए थे उनमें से एक भी वादे पे अमल नहीं हुआ। कहा गया था कि अमन जम्मू कश्मीर में, अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है 370 है। ठीक है, हमने कहा अगर ये रुकावट है आपने हटा दिया तो बस अब अमन ही अमन होना चाहिए। कहां है वो अमन, कहां है? मुझे तो दिखता नहीं। मैं आज ही श्रीनगर से आया हूं, कश्मीर की हालत आपके सामने है। घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है हमारे भाइयों को, बहनों को। कल हमारे एक नौजवान साथी को घर के अंदर मारा, क्यों? क्योंकि उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। क्या यही है हिफाजत? क्या यही है बेहतरी? ठीक उससे एक दिन पहले हमारे एक कश्मीरी पंडित भाई जो प्रधानमंत्री के स्कीम के तहत कश्मीर वापस आया नौकरी करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ बड़गाम में रह रहा था, चाडूरा में नौकरी कर रहा था, तहसीलदार के दफ्तर में घुस के उसको गोली मारी, मार डाला उसको। वो कहां हिफाजत, कहां था आपको, कहां है हमारी वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसको कहते हैं?